हे गाइस, वेलकम टू पार्ट टू ऑफ नाइका हॉल। मैंने पार्ट वन में अनबॉक्सिंग करके बताया और पार्ट टू में मैं जो प्रोडक्ट है अपने फेस पे अप्लाई करके बताऊंगी किसका क्या यूज़ है, मैं वो सारा डिटेल बताऊंगी। तो अगर अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब और कमेंट करके बताना क्या अच्छा लगा, क्या नहीं लगा, क्या समझ में आया, क्या नहीं। तो फर्स्ट करेंगे हम अपने थोबड़े को क्लीन अपने फेस को क्लीन करेंगे। जो मैंने मेकअप लगाया है उसको रिमूव करूंगी, फिर मैं आगे सारा प्रोडक्ट अप्लाई करके बताऊंगी। तो सबसे पहले करेंगे अपने हेयर को ऊपर। मैंने हेयर क्लिप लिया और कमेंट करके बताना मेरा हेयर कैसा लग रहा है। मैंने रिसेंटली हेयर कट कराया है अपना। तो फर्स्ट मैं अपना मेकअप रिमूव करती हूँ ऑयल से। तो मैं ले रही हूँ ये जॉनसन्स बेबी का ऑयल। सबसे पहले मैं, आपको दिख रहा है या नहीं, मैं थोड़ा सा भी लाऊंगी तो ये गिर जाएगा। मैं ऑयल लेके अपने फेस पे डैबिंग मोशन में अप्लाई कर रही हूँ। मैं हल्का सा मसाज कर रही हूँ और कुछ नहीं कर रही हूँ, फिर भी मेकअप हट रहा है। तो आप, मेरा टिप्स ये मेकअप रिमूव करने के लिए कि आप किसी भी चीज़ से मेकअप रिमूव कर रहे हो बट जो वो जो भी प्रोडक्ट आप लगा रहे हो आपकी स्किन को वो हार्श ना करे और बहुत इजीली निकल जाए, आपको ज़्यादा वो स्किन को रगड़ना मलना ना पड़े। और आप देख रहे हो बहुत स्मूथली ऑयल बेस्ड क्लींजर ले सकते हो, कोकोनट ऑयल ले सकते हो, ऑलिव ऑयल ले सकते हो, आप फैंसी में जा सकते हो। मैं एकदम चीप एंड बेस्ट काम कर रही हूँ, वर्क सारा एक ही करता है। उसके बाद मैं ले रही ये वेट वाइप्स। मैं बहुत लाइट हाथों से कर रही हूँ, बहुत लाइट वेट दे रही हूँ स्किन पे। और ये रहा हमारा मेकअप। मैं आई मेकअप अभी नहीं हटा रही हूँ, क्योंकि आज का मेकअप मुझे बहुत अच्छा लगा। ओके, तो फेस मेकअप हट गया है और आईज मेकअप बचा है। तो मैं आपको पहले वो ब्लश दिखा रही हूँ अपने बेयर फेस पे। मेरे फेस पे कुछ नहीं है, सब यहाँ आ गया। मैं अपने हैंड्स को क्लीन कर रही हूँ इसी वाइप से एंड ऑयल को भी। ओके, तो नाउ आई एम गोना अप्लाई दिस ब्लश। मुझे तो बहुत अच्छा लगा। बहुत पिगमेंटेड है ये। सी, इतना स्मूथली ब्लेंड हुआ है ये, लग रहा है स्किन है, ये स्किन जैसा फील दे रहा है। बिल्कुल भी नहीं लग रहा है कि इसके ऊपर कोई प्रोडक्ट है स्किन के ऊपर। ये देखिए,
और ये देखिए मैं इसको लिप पे लगा के देखती हूँ, काफ़ी सॉफ्ट और स्मूथ टेक्सचर है इसका, एक लिप बाम की तरह फील दे रहा है ये। वाह, नेचुरल लिप लग रहा है, हल्का सा टिंट के साथ और बहुत हाइड्रेटिंग और बहुत सॉफ्ट स्मूथ फील हो रहा है, बटर जैसा फील हो रहा है मेरा लिप। ओके, तो इस ब्लश को मेरी तरफ से मिलता है 10 out of 10। आई रियली लाइक द पैकेजिंग और द शेड, और इंडियन स्किन टोन के लिए बहुत अच्छा शेड है ये, नेचुरल लगता है और मेरा लिप भी नेचुरल लग रहा है। और इसका प्राइस था, लेट मी फाइंड द, ओके सो आई थिंक इट्स फॉर 80 rupees गाइस। सो ये 80 rupees का आया मुझे। नाउ आई एम गोना फिनिश क्लीनिंग माई फेस। तो फर्स्ट मैं लूँगी ऑयल, ये भी फिनिश है। ओके, देन मैंने लिया वाइप्स और इसको फोल्ड किया है, मैं इसको डिप कर रही हूँ ऑयल में। मैं ब्रश कर रही हूँ सिर्फ। वाह, कितना अच्छा शाइन हो रहा है। देखिए कितना आराम से मेकअप रिमूव हो गया, मैं इतना लाइट कर रही हूँ। ओके, ये रहा मेकअप, और मैं इसको पलट रही हूँ एंड यूजिंग दिस साइड जो ऑयल सोक्ड है, मैं अपने मस्कारा जो है मेरा मस्कारा मैं उसको रिमूव कर रही हूँ। देखिए कितना सारा मेकअप था, ये डर्ट जैसा लग रहा है। ये क्लीन साइड है, और आप देख सकते हैं वाइप्स का हाल। ऑयल और 2 wipes में फेस हो गया क्लीन। सो मैं अब करूँगी अपने फेस को वॉश, और मेरे हस्बैंड ने पता नहीं कहाँ से ये फाइंड किया है, ये है द मैन कंपनी, आई डोंट नो, ही टोल्ड मी टू ट्राई दिस एंड टेल हिम। तो ये है विटामिन सी फेस वॉश, तो मैंने दो बार अपने फेस को वॉश किया है इसे, और काफ़ी स्मूथ काफ़ी सॉफ्ट फेस क्लीन हो जा रहा है, और उसके बाद बिल्कुल भी नहीं लग रहा है कि आपने कोई सोप या कुछ लगाया, जो स्किन ड्राई होने लगता है ना, बिल्कुल भी नहीं हो रहा था। तो मुझे अच्छा लगा, और मैं इससे फेस वॉश करके आती हूँ और आपसे मिलती हूँ उसके बाद। ना आई वॉश्ड माई फेस, मैं जब भी अपना फेस वॉश करती हूँ, आई डोंट नो, बट मेरा कपड़ा पूरा गीला हो जाता है। अच्छा कोई नहीं। ओके, मेरा फेस बहुत ठंडा, बहुत रिफ्रेश्ड, बहुत अच्छा फील हो रहा है, और जैसे ही मैं फेस वॉश करती हूँ, मैं हल्का सा टैप ड्राई करती हूँ अपना फेस, और पूरा फेस ड्राई भी नहीं रहता है, और मैं जल्दी से लगाती हूँ ये
टोनर, मैंने लिया है ये प्लांट्स का टोनर, फेस टोनर है, ऑर्गेनिक है ये। तो मैं 3-4 स्प्रे करती हूँ अपने फेस पे। फिर से गीला किया मैंने अपने फेस को और मैं डैब डैब कर रही हूँ जो टोनर है स्किन में अच्छे से अब्सॉर्ब हो जाए। लगाती हूँ उसके बाद ये निविया का लिप बाम, टिंटेड लिप बाम है ये। उसके बाद मैं लगाती थी, अभी मैं ये नहीं लगाऊंगी, बट मैं आपको बता दे रही हूँ, मैंने लैक्मे का ये एब्सोल्यूट का फ्रेश लाइफ एसेंस लिया था। मेरा जो मेरे फेस पे बहुत ज़्यादा अनइवन स्किन टोन बहुत ज़्यादा था मेरा, ये जो है सनबर्न का एरिया यहाँ पे, अभी भी मैं उस दिन गई थी पटना बिहार दिवस के लिए, आप मेरा ब्लॉग जाके चेकआउट कर सकते हो। तो मेरा जो भी शेडो पड़ा था सन का, मेरा दोनों यहाँ और यहाँ थोड़ा थोड़ा पिगमेंटेड लग रहा है, सनबर्न लग रहा है ये। तो मेरा बहुत ख़त्म हो गया था, ऑलमोस्ट ख़त्म हो गया था। मैं इसको 4-5 मंथ से यूज कर रही हूँ और ये अब फिनिश है। एक या दो पंप काफ़ी है और इसमें है नियासिनमाइड जो होता है, इसमें नियासिनमाइड है और आई डोंट नो दिखेगा या नहीं। तो ये हमारी स्किन को अच्छे से हील करता है और सनबर्न को ठीक करता है, अनइवन स्किन टोन को स्किन इवन करता है। तो इसलिए मैंने अब इसका सीरम ही मंगाया है। ये मैंने लिया है डर्माको का, मैंने बहुत रिसर्च किया और मैंने देखा कि इसका रिज़ल्ट अच्छा है तो मैंने ये लिया। और मैंने बहुत सारा मंगवाया सामान जो मैं अभी आपको थोड़ी देर में दिखाने वाली हूँ। मैं नेक्स्ट लगा रही हूँ ये प्लम का विटामिन सी सीरम। इतना चौड़ा, कितना क्यूट टाइनी है। मैंने बहुत टाइनी अमाउंट लगाया है बिकॉज मैं अभी लेयर करूंगी अपने फेस को, इस वजह से। फेस में अब अब्सॉर्ब हो गया है, बट मैं नेक्स्ट प्रोडक्ट के लिए इसको थोड़ा देर अपने स्किन पे रहने दूंगी, उसके बाद मैं नेक्स्ट प्रोडक्ट लगाऊंगी, रेस्ट करूंगी जब तक ये अब्सॉर्ब होता है। ओके, तो कुछ देर हो गया है, ऑलमोस्ट 5 मिनट्स हो गए हैं, तो मैं लगाऊंगी ये नया सिनेमाइट सीरम। मैं नाइट टाइम स्किन केयर रूटीन कर रही हूँ तो मैं सनस्क्रीन नहीं लगाऊंगी, बट विटामिन सी लगाने के बाद आपको डे में सनस्क्रीन लगाना है। नाउ आई एम मूविंग ऑन, मैं रेटिनॉल और मैं ये कल बताऊंगी आपको इसका मतलब
मैं पूरा प्रोडक्ट आपको अप्लाई करके बताऊंगी ज़रूर। मैं ये वीडियो 3 दिन में, आई नो 2 दिन में कंप्लीट करूंगी, मैं कल लगाऊंगी, क्योंकि आप नियासिनमाइड और विटामिन सी के कॉम्बिनेशन में रेटिनॉल नहीं लगा सकते हैं, मतलब नहीं लगाना चाहिए। और मैंने ये क्लींजर लिया बट मैं इसको अप्लाई करना भूल गई, तो मैं इसको कल बताऊंगी। और नेक्स्ट प्रोडक्ट पे जाती हूँ मैं, वो है मरूला ऑयल मॉइस्चराइज़र। इतना स्मूथ, इतना हाइड्रेटिंग है, जो एक्स्ट्रा प्रोडक्ट है मैं उसको अपने नेक पे लगा रही हूँ। और मैं इसका रिजल्ट भी बताऊंगी, मैं 1 वीक तक लगाऊंगी, इसको रिकॉर्ड करूंगी और आपको इसका रिजल्ट बताऊंगी। तो ये रहा मेरा फाइनल स्किन केयर, नाइट स्किन केयर। वैसे मैं मेकअप रिमूव करने के बाद शीट फेस मास्क लगाती हूँ, बट मेरा खत्म हो गया है और मैं उसको ऑर्डर करना भूल गई थी। मैं एक्स्ट्रा रखती हूँ अपने पास, बट मैंने ध्यान नहीं दिया और वो ख़त्म हो गया है, तो मैं नेक्स्ट टाइम दिखाऊंगी आपको उसके साथ। तो अगर अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, और मिलती हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके बाय, गुड नाइट।